कर्नाटक हाई कोर्ट के जज को जान से मारने की धमकी देने के आरोप के मामले में गिरफ्तार आरोपी कोवई रहमतुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोपी ने कहा कि मामले में दर्ज FIR को रद्द किया जाए या फिर मामले को तमिलनाडु ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल ये धमकी 15 मार्च को हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को मिली है। खबर है कि सोशल मीडिया पर धमकी भरा एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।